हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। क्या डिफरेंसेस थे और क्या सिमिलैरिटी थी बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ा रखा है, महात्मा गांधी के बारे में, कंप्लीट पढ़ा, जलियांवाला बाग, रोलेट एक्ट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये सब पढ़ा चुका है, पढ़ा दिया है मैंने। अब आप एंशियंट में देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है, वो हम लोग जानेंगे। डिफरेंस पहले जानते हैं हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या क्या डिफरेंसेज हैं। तो डिफरेंस देते हैं बुद्धि जैनी, ये बुद्ध है ये जैन। बुद्धिज्म में ये माना जाता था कि रिबर्थ चलता ही रहता, जब तक रिबर्थ चलता रहता, ये इंडलेस प्रोसेस है, बर्थ रिबर्थ होता रहा, जब तक उस आत्मा तो निर्वाणा नहीं अचीव हो पाया था, तब तक बर्थ रिबर्थ चलता रहता उस सोल का। जैनिज्म में ये माना जाता था कि बर्थ रिबर्थ इसके लिए चलता रहता, जब तक गुड और बैड उसका जो कर्म है, उसका जो एक्शन हुआ है उसके लाइफ में, वो अच्छा रहा है या खराब रहा है, इस हिसाब से बर्थ रिवर्थ चलता रहेगा, जब तक उस तो शांति नहीं मिल जाएगी उसकी सोल। तो तीन तरह की तृप्ति थी इस बारे में डिस्कस किया जाए, डिसिप्लिन, डिस्टरेज और तमिन ट्रीज। जैनिज्म के रिलीजियस टेस्ट का नाम तो कहा जाता था अदमस कहा जाता था। जैनिज्म के रिलीजियस टेस्ट के बारे में क्या नाम था उनका, अदमस। बुद्धिज्म में ये कहा जाता था कि प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इज ए सफरिंग, लाइफ इज सफरिंग है और लोग तो उससे भागना नहीं चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बुद्धिज्म में कहा जाता था। जैनिज्म में ये कहा जाता था कि लाइफ इज ए लाइफ ऑफ सारे लिविंग बींग, तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और रिबर्थ का साइकिल जो चलता रहता है, वो फाइव डिफरेंट प्रॉमिस, वाउज मतलब प्रॉमिस, पाँच डिफरेंट प्रॉमिस के थ्रू वर्क करता है। तो उनके चार शपथ लेना, मतलब एक तरह से शपथ लेने से। सीन का तो कॉन्सेप्ट नहीं था बुद्धिज्म में, तो सीन का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जैनी में देखा जाए तो सीन का कॉन्सेप्ट था। और उसे माना जाता था कि जो भी हार्म करते हैं अदर्स के लिए, किसी और पे, जैसे जानवर पे ही तो हार्म किया, तो उसे सीन का कॉन्सेप्ट लिया जा रहा था। वो था कि जानवर पे हमें हार्म नहीं करना चाहिए, हमने पहले ही बोला था ऑल लिविंग बींग्स आर सेम, ये जैनी में माना जाता था। तो ये इसी से सीन का कॉन्सेप्ट आया कि किसी पर हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हर तो अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, भले वो इंसान हो या जानवर। बुद्धिज्म तो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, महायाना और त्रियावदा, महायाना और त्रियावदा। जैनिज्म तो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्तंबरा दिदंबरा। मैंने जैनिज्म जैनिज्म का टेस्ट बता दिया था, अधमस होता है। बुद्धिज्म का जो टेस्ट होता है वो तो समसरा बोला जाता है, समसरा आप देख रहे हैं। ये जैनिज्म में जो था कि वो कन्वेंशनल वर्शिप तो पर नहीं करते, कन्वेंशनल मतलब क्या, मूर्ति पूजा तो वो लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते। बुद्धिज्म में भी मूर्ति पूजा तो नहीं अप्रिशिएट जाता है, सिद्धार्थ जो थे बुद्धिज्म में वो भी मूर्ति पूजा तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते थे, लेकिन उनके देखते जस्ट बाद ही सबने उनकी मूर्ति बनाई और पूजा करने लग गए, लोग ने ये मानना शुरू कर दिया। बल्कि वो पूरे लाइफ, अपने लाइफ में वो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में खड़े थे, लेकिन लोग ने उनके देखते जस्ट बाद ही उनका मूर्ति बनाया और उनने पूजा करने लग गया, लोग ऐसे कर रहे हैं। इनका बर्थ नेपाल में हुआ, मॉडर्न डे में उसे नेपाल कहा जाता है। ये नेवार्थ में इन तो बहुत ज़्यादा पूजा भी जाता है नेपाल में आज के टाइम में, 6th और 7th सेंचुरी टाइम, 6th BC में हुआ था इनका। ये सिद्धार्थ इनका नाम था, और इनका नाम, ये बहुत ही राजा महाराजा के घर में पैदा हुए हैं, दोनों ही राजा महाराजा के घर में पैदा हुए हैं। जब मैं सिमिलैरिटी में बात करूँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा, दोनों ही राजा महाराजा के घर में, बहुत ही अच्छे घर में पैदा हुए थे, लेकिन दोनों ने अपना लाइफ, वो लाइफ छोड़ दिया। जैनिज्म का बर्थ हुआ, ओरिजिन हुआ था 7th और 5th सेंचुरी में। अब जैनिज्म और बुद्धिज्म तो कहाँ कहाँ फॉलो किया जाता है वो आप देख लीजिए, थाईलैंड में, कम्बोडिया, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत, जापान, म्यांमार और भी बहुत सारा, हांगकॉन्ग, ये सब में फॉलो किया जाता है। वैसे ही ये सब था बुद्धिज्म था, पर ये है जैनिज्म था। जैनिज्म तो कहाँ कहाँ फॉलो किया जाता है, इंडिया में, लोअर एशिया में, अमेरिका में और भी बहुत ज़्यादा है। ये बुद्धिज्म हमें, ये सिद्धार्थ है, ये लॉर्ड महावीर है, ये दोनों का नाम भी लिखा हुआ है जिस नाम से उन्हें पूजा जाता था। अब क्या क्या सिमिलैरिटी है बुद्धिज्म और जैनिज्म में, वो हम लोग जान लेते हैं। डिफरेंस तो मुझे उम्मीद है अब तो सारा क्लियर हो गया, डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, सारा ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा अब तो, और क्या क्या वहाँ था, हाँ उन्हें फॉलो किया जाता है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या क्या सिमिलैरिटी है। पहले तो दोनों ने वेदांत तो रिजेक्ट किया, वेदांत जो रिचुअल चल रहे थे उन्हें वो सपोर्ट नहीं करते थे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि दोनों ने मूर्ति पूजा तो इतना सपोर्ट नहीं किया, मूर्ति पूजा में दोनों सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उनके देखते बाद दोनों दिन मूर्ति बनाते, लोग उन्हें पूजा करने लग गए, आप देख ही रहे, तो वे बिल्कुल भी गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उनकी मूर्ति बनाते लोग पूजा करने लग गए, तो ये नहीं होना चाहिए था पर ऐसा हुआ। दूसरा पॉइंट, दोनों जो फाउंडर थे वो बहुत ही रॉयल फैमिली में पैदा हुए, पर उन्होंने अपना कम्फर्ट लाइफ छोड़ते इनलाइटमेंट की तरफ बढ़ते हैं।
दोनों एनिमल वायलेंस थे, देखते हैं एनिमल वायलेंस नहीं होना चाहिए, उन्हें भी इक्वल लाइट मिलना चाहिए, वो भी एक लिविंग बींग थे, उन्हें भी इक्वल लाइट मिलना चाहिए जितना ह्यूमन बींग तो मिलता है। दोनों का ये था कि तर्मा में वो बिलीव करते थे, और तर्मा में ये जो उनका एक्शन होता है वो उनको दिखाता है कि वो पॉजिटिव आदमी है यानी यदि फोर्स है। तो वो लोग तर्म में जरूर विश्वास करते थे, लेकिन तर्म में वो ये बोलते थे सोल का क्या एक्शन है वो उनका पॉजिटिव और निगेटिव एटीट्यूड बताएगा। दौड़ और स्ट्रक्चर में ये था कि वो लोग दौड़ में ऐसा नहीं, वो लोग ऐसा नहीं मानते थे कि दौड़ जो है वो है तो दौड़ है जो हमें देख रहा है, जैसे हम लोग मानते हैं कि मूर्ति पूजा में है युद्धहस तो किसने बनाया तो दौड़ ने बनाया, ये सब वो लोग नहीं मानते थे। लोग जैसे सब तो इक्वली ही ट्रीट करना चाहते थे, भले वो एनिमल हो या फिर लिविंग बींग हो या फिर ह्यूमन हो, कोई भी हो उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए, ये इनका इन दोनों का ये इस बात पे ध्यान रहता। दोनों इस बात में बिलीव करते थे कि रीबर्थ जो सोलता होता है वो नया बॉडी होता है, लेकिन पुराना बॉडी जब ता जब डेथ हो जाता है तो उसका सोल निकलते दूसरे नए बॉडी में प्रवेश होता है, ये दोनों मानते थे इस बात। तो ये जो है ये हमारा सिमिलरिटी आ गया बुद्धिज्म और जैनिज्म में, और डिफरेंस क्या था वो आप जान ही लिए, कहाँ बुद्धिज्म तो फॉलो किया है कहाँ जैनिज्म, तो ये भी जान लिए, ये पूछ लिया था एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस सब तो एक जगह नोट्स दीजिए और फिर कम्प्लीटली इसको पढ़िए अच्छे से, 2-3 बार रिवाइज कीजिए आप, तो हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ अब तो सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, और क्या क्या कमेंट आप कमेंट दीजिए क्या मैं नया टॉपिक लेते आऊँ, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू, मैं और भी वीडियोज बना सकता हूँ, आप जाते देख सकते हैं, महात्मा गांधी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर, रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे मेरा वीडियो है, इस सत्याग्रह पे जनरल महात्मा गांधी का जो भी सत्याग्रह एशिया में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ और जो इंडिया में हुआ, सारा मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप जाते देखिए, आप तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, हर जगह आप तो लिंक मिल जाएगा, आप जाते देखिए। थैंक यू।